हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले पीटी लाइट के Q3 के रिजल्ट के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं स्टैंडअलोन रिजल्ट पीटी लाइट ने कैसे डिक्लेयर किया। टोटल इनकम का फिगर 2422 करोड़, लास्ट क्वार्टर में 2229 करोड़ थे, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1976 करोड़। टोटल एक्सपेंसेस 1989 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में 1787 करोड़ थे, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1427 करोड़ थी। टोटल इनकम भी ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंप्रूव हुआ है। टोटल एक्सपेंसेस का नंबर भी जो हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 433 करोड़ वर्सेस 442 करोड़, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 548 करोड़ थी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो रिड्यूस हुआ है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड 322 करोड़ वर्सेस 339 करोड़, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 409 करोड़ थी। यानी स्टैंड अलोन जो नंबर है वो खराब है, एक्सपेंसेस इनकम बढ़े है, बट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट फॉर द पीरियड वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी घटा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी घटा है। तो इस पर्टिकुलर रिजल्ट को हम अच्छा बिल्कुल नहीं कहेंगे। अगर साइड बाय साइड हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें, टोटल इनकम 2855 करोड़ वर्सेस 2640 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में था, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 2319 करोड़। यानी टोटल इनकम यहाँ पे भी अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है। टोटल एक्सपेंसेस 2372 करोड़ वर्सेस 2149 करोड़, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1719 करोड़। यानी एक्सपेंसेस भी बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। प्रॉफिट फॉर द पीरियड, उससे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स 486 करोड़ वर्सेस 491 करोड़, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 601 करोड़ थे। प्रॉफिट फॉर द पीरियड 359 करोड़ वर्सेस 375 करोड़, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 446 करोड़ थी। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा डिक्लाइन है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ज्यादा डिक्लाइन है। सो डेफिनेटली अगर प्रॉफिटेबिलिटी घटता है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम ही क्यों ना हो, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत ज्यादा है। सो डेफिनेटली मार्केट तो आजकल ईयर ऑन ईयर बेसिस को ज्यादा रेस्पेक्ट देता है। सो इन दैट केस रिजल्ट्स आर नॉट गुड, एंड इन दैट केस स्टॉक थोड़ा सेल हो सकता है एंड कंसोलिडेट कर सकता है। अब रिसेंट प्राइस देखें, स्टॉक का प्राइस है 2580, आज का डे हाई 2764, वहां से स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट हुआ है एक ही साथ साथ। एंड आई डोंट थिंक सो ये बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि लाइफ टाइम जो हाई है वो 2764 है, एंड एट द मोमेंट इसी रेंज पे कंसोलिडेट कर सकता है। मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, अदरवाइज इसी रेंज पे स्टॉक थोड़ा मूवमेंट करें। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग भी है वो केमिकल सेक्टर में सबसे ज्यादा है। सो डेफिनेटली एट द मोमेंट नो नॉट डोंट नीड टू डू एनीथिंग। SRF के रिजल्ट आने वाले, उसका वेट कीजिए। जिन स्टॉक का रिजल्ट आ चाहे उनमें निवेश कीजिए, जिन स्टॉक का रिजल्ट खराब है नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट से पहले उन सारा दूर रहिए। हाँ, बहुत करेक्शन हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, अदरवाइज स्टे अवे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।